जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अजय दिवाकर ने एक युवक को हुई दुर्लभ बीमारी का सफलतम ऑपरेशन किया। युवक को हुई बीमारी के विश्व में अब तक केवल 3 ही मरीज मिले हैं। चौथा केस उज्जैन में सामने आया। डॉक्टर्स ने बताया कि युवक को बाएं अंडकोश में 1 किलो की गठान हो गई थी। ऑपरेशन 20 जून को जिला अस्पताल में किया गया। सोमवार को युवक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि करीब 10 दिन पहले 22 साल का एक युवक उनके पास आया और उसने अपनी बीमारी को लेकर बताया। युवक कहना था कि उसके बाएं अंडकोश में अचानक सूजन आ गई है और वह काफी घबराया हुआ था। डॉक्टर दिवाकर ने उसका 20 जून को जिला अस्पताल में ही ऑपरेशन कर दिया था और इसके बाद गठान की जांच के लिए बायोप्सी जांच करवाई गई थी। सोमवार को जिसकी रिपोर्ट भी मिल गई थी और साथ ही में बताया गया कि यह एक कैंसर का रूप है और इस बीमारी में अंडकोश में कैंसर की गठान बन जाती है। यह शुरुआती दौर में पता नहीं चलती है और बड़ी होने की एकाएक यह सामने आ जाती है। विश्व में यह दुर्लभ बीमारी 4 लोगों को हुई है। सोमवार को उसके टाके काटकर अस्पताल से युवक को छुट्टी दे दी गई। युवक अब पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। डॉक्टर दिवाकर ने बताया है कि अंडकोश में गठान धीरे धीरे बढ़कर पहले शोथ का रास्ता बंद कर देती, इसके बाद में उसके बाएं किडनी पर बुरा असर होता और वह पूरी तरह से खराब हो जाती। आकांक्षा जताई जा रही है कि 6 माह में युवक की मौत भी हो जाती। किस तरह का ऑपरेशन है, क्या विशेषता किसी ये एक्चुअली एक अंडकोश का कैंसर होता है जिसका नाम है सेमिनोमा विद सिटोट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ये जो बहुत रेयर केस है जिसमें अभी तक वर्ल्ड में 3 स्टडी की गई हैं और चौथा अपने हिंदुस्तान में ये डायग्नोज हुआ पहली बार। और इसमें ये रहता है कि ये बहुत यंग एडल्ट में होता है ये और बहुत एग्रेसिव फॉर्म होता है जिसको जर्म सेल ट्यूमर का एक टाइप बोला जाता है इसको। और अगर इसको अगर समय रहते अगर ऑपरेट नहीं करते तो ये उसकी मतलब किडनी भी ख़राब कर सकता है और आने वाला भविष्य उसका भी बिल्कुल ख़राब हो सकता था। सर ये किस प्रकार जो मरीज था उसको कब पता चला? मरीज को 1 महीने पहले पता चला था इस चीज़ का और शायद किसी ने ऑपरेट करवाया था मुझसे कैंसर का, तो उसका रिलेटिव था तो वो उस माध्यम से मेरे पास आया था। फिर मैंने उसकी सोनोग्राफी कराई, सीटी स्कैन कराया, उसके बाद विगत 2-3 दिन पहले उसको ऑपरेट किया है, उसकी बायोप्सी रिपोर्ट आ गई है, कन्फर्म हो गया है। लेकिन यह है कि अभी सही समय पर ऑपरेट हो चुका है तब उसकी जीवन बच सकता है उसका। आगे आने वाले समय में उसको कीमोथेरेपी लगेगी, उससे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा वो। आपने ऑपरेशन किस प्रकार से आपने निर्णय दिया और कहाँ कितने जने की टीम थी आपके साथ में? कितना नहीं, हम लोगों की टीम थी, मैं था, ओटी स्टाफ थी, ओटी सिस्टर हैं हमारी, मैं डॉक्टर दिवाकर और डॉक्टर बीएस डांगी और डॉक्टर गुप्ता जी थे और मैडम थी जो एनेस्थेटिक हैं, उन लोगों के सहयोग से लगभग 2 घंटे ऑपरेशन चला है और बहुत अच्छा रहा है ऑपरेशन। आफ्टर बायोप्सी कन्फर्मेशन मैं ये बयान दे रहा हूँ कि उसको ये ट्यूमर था। नहीं, परमिशन एक्चुअली मैं एक्चुअली जनरल सर्जन भी हूँ, उनको सर्जन भी हूँ, तो वो पेशेंट जो है बहुत ही गरीब तबके का था तो वो कहीं जा नहीं सकता था, तो मैंने कहा यहीं करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा उसको, जो भी हमारे प्रयास रहे हैं तो सब मरीज के हित में रहे हैं और सब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आज उसके टाँके भी काट दिए हैं, बायोप्सी रिपोर्ट भी आ गई है, मरीज भी खुश है, अब उसको कीमोथेरेपी प्लान करना है मुझे। अभी तक पूरे विश्व में इसके 3 ऑपरेशन हुए हैं और 3 ही पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं और अपने भारत में और मध्य प्रदेश का पहला ये केस है जो डिटेक्ट हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।